हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिव्यूज गैलरी। ऐसे कहा जाता है कि मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट 1968 में नाइट ऑफ द वॉकिंग डेड से शुरू हुआ। ज़ॉम्बी सीरीज अपने सिनेमैटिक्स, वीएफएक्स, एनिमेशन, मेकअप और गोर की वजह से अपना स्टैंड पॉइंट बाकी सीरीज के दरमियान बनाती है। एज दे से, द मोर द हॉरर द बेटर इट इज। नंबर 10 पे हमारे पास है रियलिटी जी। ये एक पोर्चुगीज सीरीज है। ये बाकी जॉम्बी स्टोरीज की तरह इस नोट से शुरू होती है कि एक सिटी में जॉम्बी इन्वेजन हो गया है और वहाँ के लोग किसी ऐसी जगह की सर्च में हैं जो सेफ हो। इस दौरान एक ग्रुप ऑफ रियलिटी टीवी शो कंटेस्टेंट्स एक स्टूडियो में ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ उन्हें खुद को जॉम्बी से बचाना होता है और सर्वाइव भी करना होता है। ये सीरीज हॉरर, सस्पेंस और डार्क ह्यूमर का एक मस्ट वॉच कॉम्बिनेशन है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 9 पे हमारे पास है अमेरिकन टीवी सीरीज ब्लैक समर। ये सीरीज जॉम्बी एपोकलिप्स के बाद के टाइम पे बेस्ड है। ड्यूरिंग अ जॉम्बी एपोकलिप्स एक लेडी और उसकी डॉटर सेपरेट हो जाती है और ये सीरीज उस मदर की जर्नी पे बेस्ड है जिसे बेटे को भी ढूंढना होता है और साथ उस एपोकलिप्स को भी सर्वाइव करना होता है और ये जर्नी बहुत फ्राइटनिंग और हॉरिफिक होती है। वो अपने साथ कुछ रेफ्यूजीज का ग्रुप इकट्ठा करती है और ये सीरीज बहुत डार्क और डेडली है। ये सीरीज आपको बहुत एंटरटेन और एंगेज करेगी और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 8 पे हमारे पास है जी नेशन। ये एक अमेरिकन हॉरर टीवी सीरीज है। ये सीरीज एक जॉम्बी अटैक के 3 साल बाद बेस्ड है, जब गवर्नमेंट जॉम्बीज के लिए वैक्सीन बना देती है और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गिनी पिग्स ढूंढ रही होती है। वो एक वॉलंटियर मर्फी को वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो आधा इंसान और आधा जॉम्बी बन जाता है। ये सीरीज उसके स्ट्रगल की स्टोरी है, उसे खुद को कंट्रोल करना होता है। यहाँ एक ग्रुप फॉर्म होता है जो लोगों को रेस्क्यू करके वायरोलॉजी लैब लेकर जाते हैं। ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 7 पे हमारे पास है बहुत ही एंटिसिपेटेड और फेमस सीरीज फेयर द वॉकिंग डेड। ये द वॉकिंग डेड का स्पिन ऑफ है जो 2015 में रिलीज हुआ। ये सीरीज अपना इतना नाम बना चुकी है कि इट हैज 7 seasons। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर सीरीज है। ये सीरीज एक डिसफंक्शनल फैमिली पे बेस्ड है जो अपने मसलों में भी उलझी होती है और साथ ही साथ जॉम्बिस को भी सर्वाइव कर रही होती है। इस सीरीज के प्लॉट ट्विस्ट, थ्रिलर्स, जंप स्केयर्स और एक्शन सीक्वेंस बहुत हार्ट थ्रोबिंग है एंड इट्स अ मस्ट वॉच। ये अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे हमारे पास है साउथ कोरियन ड्रामा सीरीज स्वीट होम। ये सीरीज एक टीनेजर पे बेस्ड है जो अपनी फैमिली को छोड़ के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाता है। वो खुद को बहुत आइसोलेट कर लेता है और बाहर आना जाना छोड़ देता है, यहाँ तक कि वो खाने के लिए भी फूड डिलीवरी से ऑर्डर करता है। स्टोरी का प्लॉट इस बात को लेके चलता है कि कहीं से मॉन्स्टर वायरस उस सिटी में आ जाता है और अब उसे और उसके नेबर्स को उस वायरस से बचना होता है और मॉन्स्टर से भी। स्टोरी गेट्स ट्विस्टेड जब वो इन्फेक्ट हो जाता है। ये सीरीज बहुत ड्रामेटिक, थ्रिलिंग और एडवेंचरस है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 5 पे हमारे पास है येट अनदर कोरियन थ्रिलर ड्रामा सीरीज हैप्पीनेस। ये सीरीज एक नियर फ्यूचर पे बेस्ड है जहां एक वायरस पेंडेमिक कॉज करता है। इसे वायरस नेक्स्ट का नाम दिया जाता है जो कि मैड मैन डिजीज कॉज करता है। जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उन्हें ब्लड लस्ट शुरू हो जाती है और करते करते वो जॉम्बी बन जाते हैं। इस सीरीज का प्लॉट एक फीमेल पुलिस डिटेक्टिव और उसके लवर पर बेस्ड है, जो मिलके अपने बिल्डिंग के लोगों और सिटी के लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। सीरीज बहुत ट्विस्टेड और थ्रिलिंग है और आपको बहुत इंगेज करेगी। ये भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4 पे हमारे पास है बहुत ही हाइप्ड अप और फेमस कोरियन टीवी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड। ये सीरीज एक हाई स्कूल एक्सपेरिमेंट की आउटबर्स्ट पर बेस्ड है, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट जॉम्बी बनने लग जाते हैं और गवर्नमेंट इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए उस हाई स्कूल को सील कर देती है और इन्फेक्टेड होने से भी बचना होता है। ये सीरीज बहुत थ्रिल्स, ब्लडशेड और सिनेमेटिक एक्सीलेंस से भरपूर है और आपको बहुत इंगेजिंग लगेगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पे हमारे पास है आई जॉम्बी। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल क्राइम ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज एक मेडिकल रेजिडेंट लिव पे बेस्ड है। लिव एक पूल पार्टी के बाद जॉम्बी बन जाती है और उसे ह्यूमन ब्रेन की थर्स्ट शुरू हो जाती है। वो अपनी फैमिली, फियांसे और जॉब छोड़ देती है और गायब हो जाती है। वो एक मॉर्ग में जॉब शुरू करती है जहां वो डेड लोगों के ब्रेन कंज्यूम करती है और अपनी थर्स्ट को सर्वाइव करती है। यहां उसका बॉस रवि उसका सीक्रेट जान लेता है और वो उसे हेल्प करता है क्योर होने में। ये सीरीज जॉम्बी, हॉरर, कॉमेडी और रोमांस का एक बेहतरीन कॉम्बो है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 2 पे हमारे पास है किंगडम। ये एक साउथ कोरियन हॉरर सीरीज है। ये नेटफ्लिक्स की फर्स्ट ओरिजिनल कोरियन सीरीज है। अमेजिंग, इजंट इट?
ये सीरीज 16th सेंचुरी की इमजिन वॉर के 3 साल बाद बेस्ड है। ये सीरीज पॉलिटिकल थ्रिलर और जॉम्बी हॉरर का एक वेल कंपोज्ड कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज स्टार्ट होती है जब एक किंग इन्फेक्ट हो जाता है अपनी एक इलनेस की वजह से। यहाँ क्राउन प्रिंस को न सिर्फ अपने किंगडम को इस पेंडेमिक से बचाना होता है और साथ ही साथ अपने थ्रोन को दुश्मन से बचाना होता है। ये सीरीज मेडिवल एरा से इंस्पायर्ड है और बहुत ही एडिक्टिव है। नंबर 1 पे हमारे पास है नन अदर देन आर ओजी द वॉकिंग डेड। ये सीरीज अमेज़न प्राइम पे 2010 में एयर हुई। इस सीरीज में मॉडर्न जॉम्बी कॉन्सेप्ट को बर्थ दी है और ये एक फिनोमिनल सीरीज है जो आज तक भी देखी जा रही है। ये सीरीज जॉम्बी एपोक्लिप्स पे बेस्ड है कि किस तरह एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स सेफ्टी के लिए भागते हैं और जॉम्बीज से भी बचते हैं। ये सीरीज बहुत वास्ट, कॉम्प्लेक्स और प्लॉट ट्विस्ट से भरपूर है, सो इसके बारे में ज्यादा बताना इसे स्पॉइल करना होगा। ये सीरीज बहुत डार्क, थ्रिलिंग और हॉरिफिक है। इट इज अ मस्ट वॉच। तो गाइज, ये थी हमारी टॉप 10 वर्ल्ड्स बेस्ट जॉम्बी सीरीज। आप भी अपनी फेवरेट सीरीज का नाम कमेंट्स में मेंशन करें। फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।